आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं कोई भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके पास सच लाऊंगा, भले वो मेरा सगा भाई क्यों ना। इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा मुझे कोई प्यारा है तो पहले सुशांत सिंह राजपूत और उसके बाद जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो लोग, लेकिन वो बहुत ही गिने चुने लोग हैं और जिन्होंने सुशांत का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। एक उसमें से नाम है जिनको मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ, वो है गोविंदा जी। लेकिन अब गोविंदा जी हो रहे अरेस्ट, क्या है बात मैं इस बार वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर कोई मेरा नजदीक का भी है, अगर उसने गलत किया है तो मैं गलत आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। गोविंदा जी मुझे बहुत चाहते हैं, गोविंदा जी को मैं बहुत चाहता हूं, हर बर्थडे के दिन मिलता हूं, कभी भी मैसेज करता हूं वो बेचारे रिप्लाई करते हैं। हर बार कोरोना के वक्त मुझे सपोर्ट करने के लिए भी बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम होगा तो गणेश मुझे जरूर बताना। सुशांत को मैंने सपोर्ट किया था, उन्होंने अच्छा खासा तारीफ किया था मेरी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताना ये भी कहा था उन्होंने। सुशांत को भी सपोर्ट किया था, लेकिन यहां बात आती है कि गोविंदा जी अंदर क्यों गए। बता रहा हूं मैं आपको कुछ गोविंदा जी की बातें हैं जो मैंने पहले भी कहा था कि गलत है। एक जो लॉटरी खेल रहे थे ना, गेमिंग ऐप रम्मी खेलो, वो चक्री घूमता है, जुआ जुआ बेसिकली जुआ जो खेलते हैं लोग गेम ऐप पे, वो उन्होंने प्रमोट किया। और उस इवेंट में गोवा में वो एक इवेंट हो रहा था उस कंपनी का जो जुए का ऐप है, उसमें भी वो चले गए क्योंकि ब्रांड एंडोर्समेंट किया होगा तो वहां जाना पड़ता है, वो हस्तार को जाना पड़ता है। अब ब्रांड एंडोर्समेंट तो अक्षय कुमार और अजय देवगन और शाहरुख खान भी कर रहे हैं विमल गुटखा के, जिससे लोगों की जान जाती है, बात सच है। लेकिन इसके बाद दूसरी बात यह भी है कि आप गोविंदा जी को जुए की आप कर रहे हो, गोविंदा जी अकेले नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन गोविंदा जी जिस ऐप की ऐप कर रहे थे ऐड कर रहे थे, उस ऐड का उस ऐप में 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया है। मतलब लोग हारे होंगे या फिर स्कैम हुआ, मतलब लोग हारे नहीं होंगे, कुछ तो पैसा वैसा इन्होंने इधर गड़बड़ कर दिया वो ऐप ने। तो वो ऐप के ऊपर गोवा में जो थी ओडिशा के लोगों ने किया, क्योंकि ओडिशा के लोगों का ये फ्रॉड हुआ होगा, ओडिशा के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा, तो वहां से यूओई पूरे की पूरी एजेंसी, उस ओडिशा की एजेंसी इस ऐप के ऊपर आ रही है। और इसी ऐप से रिलेटेड गोविंदा जी उस इवेंट में थे और गोविंदा जी ब्रांड एंडोर्समेंट थे, इसीलिए 1000 करोड़ का स्कैम गोविंदा जी ने नहीं किया, वो ऐप ने किया। तो वो ऐप से रिलेटेड अब इंक्वायरी होने वाली है गोविंदा जी की। मतलब एक तो ऑलरेडी बॉयकॉट बॉलीवुड ने तो गोविंदा जी को साइड कर लिया जैसे सुशांत को किया था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब ऐसे ऐप का ऐड करोगे और वो फ्रॉड निकलेगा तो फिर इंक्वायरी तो होने ही वाली है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी ये जरूर है कि गोविंदा जी बहुत अच्छे इंसान है, मुझे भी चाहते हैं, मैं भी उनको चाहता हूं, लेकिन ये न्यूज है जो आपको बतानी है। तो अब जो भी होगा भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, उन्हीं की फिल्म है, अब जो होगा वो देखेंगे, लेकिन आपको मैं खबर देता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद।